तो सेम एज इट इज़ वही चीज़ है इस गाड़ी में भी, लेकिन मैं इस गाड़ी को छोड़ दूंगा। सिर्फ और सिर्फ 1,75,000 रुपये आपको देना है इस गाड़ी के लिए, क्योंकि जब मैं डाउन पेमेंट किया था ना उस समय। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग, आई होप एकदम मस्त होंगे। तो गाइस अभी आप हमारे सामने यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑल न्यू टाटा एस गोल्ड लग गई है, जो कि 2022 की ये मॉडल है। लेकिन भाई आज मैं इस गाड़ी का रिव्यू नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैं बहुत सारा वीडियोस बना चुका हूँ इस गाड़ी के रिगार्डिंग। टाटा की जो एस गोल्ड है इसके रिगार्डिंग बहुत सारे वीडियो हमारे चैनल पर मिल जाएगा। लेकिन आज इस गाड़ी को सेल करना है, क्योंकि ये गाड़ी मैं ख़रीदा था 2022 में और आज इस गाड़ी को बेचना है। तो बेचने के लिए जिन भी भाइयों को अगर ये गाड़ी सेकंड हैंड ख़रीदना है वो इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं। और ये जो गाड़ी है ना बहुत कम चला हुआ है, बहुत कम चला हुआ। अगर मैं बात कर लूँ तो आसानी से 2 से 3 महीना रेगुलर चला हुआ है। अभी पिछले 4-5 महीनों से ये गाड़ी लगा हुआ था। लेकिन आज आपको ये भी बताएंगे कि इसका जो कार्गो बॉडी है ना इस पर ऊपर से भी काम हुआ है। क्या काम हुआ है अभी सभी कुछ बताएंगे आज के इस वीडियो में। लेकिन सबसे पहले आप इस गाड़ी का चाबी देखिए, ये है कुछ इस गाड़ी का की। और स्टार्ट करते हैं यहाँ से, सबसे पहले आपको इस गाड़ी में दिखाते हैं। तो कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं है अभी तक, इस गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप ये सब सारा चीज़ देख ही रहे हैं, टाटा की एस गोल्ड है। यहाँ पे ये नंबर डाल्टनगंज की नंबर है, झारखंड की ये गाड़ी की नंबर है। आप लोकल बिहार झारखंड यूपी से अगर हैं तो आप इस गाड़ी को आसानी से खरीद सकते हैं। इस साइड से देख लेते हैं तो कुछ ये लुक है गाड़ी का, कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं है। टायर साइज़ भी अभी देख सकते हैं, टायर भी सही है, टायर भी एकदम ख़राब नहीं हुआ है। अभी इसका 1 साल इस गाड़ी को ख़रीदे, अभी दशहरा टाइम आएगा तो 2 साल हो जाएगा। अभी इस गाड़ी का इंश्योरेंस ख़त्म हो गया था, लेकिन फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस फिर से अभी 20,000 रुपये का इसमें करा दिया गया है, यानी इंश्योरेंस भी इस गाड़ी का रेडी है। यहाँ पे टायर देखिएगा तो यहाँ भी C8 का टायर आपको यहाँ पे कंपनी के थ्रू जो मिला है वही मिल जाता है। इसके चेचिस पे जो रियर का चेचिस है ना इस पर भी कुछ काम हुआ है, इसको भी थोड़ा सा अच्छा यहाँ पे गाड़ी ख़रीदने के बाद इनबिल्ट कराया गया है। और इसके साथ साथ एक चीज़ देखेंगे ना, अभी जो फ्लिपकार्ट ये सब के लिए गाड़ी ख़रीदना चाहते हैं उनके लिए बेस्ट गाड़ी होने वाला है। अब कैसे बेस्ट गाड़ी होने वाला है, इसका जो कार्गो बॉडी आता था ना, अगर आप टाटा की एस खरीदते हैं तो कार्गो बॉडी ऊपर से पैक्ड नहीं आता था, लेकिन अब ये भाई साहब पैक्ड है। इस गाड़ी में 50-60 हज़ार रुपये लगाकर इसको ये सारा चीज़ यहाँ पे कराया गया है। ये टोटल एक छोटा सा घर है। अब इससे क्या होगा कि आप कोई भी सामान को आसानी से रख सकते हैं, चोरी होने का डर नहीं रहेगा। तो आपको बॉडी में कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, कुछ लगाने का भी ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पर देख सकते हैं बस पेंट नहीं किया गया है, तो ये चीज़ हो गया। पीछे से एक स्पेयर व्हील्स भी आपको यहाँ पे मिल जाता है, देख रहे हैं कंपनी की तरफ से ही मिलेगा। बाकी सेंसर उनसे सारा कुछ देख रहे हैं। गाड़ी का डिटेल रिव्यू नहीं कर रहे हैं, जो हर एक चीज़ बताया, गाड़ी का एटलीस्ट आपको कंडीशन दिखा रहे हैं कि क्या कंडीशन है गाड़ी का। यहाँ तो देख लिए, CX का बैजिंग देख लिए। अब चलते हैं थोड़ा सा इसके मीटर कंसोल पर, दिखा देते हैं कि कितना ये गाड़ी चला हुआ है, क्योंकि सारा कुछ ये दिखाना है। सेकेंड हैंड गाड़ी अगर दिखा रहे हैं तो कंडीशन दिखाना है, टायर का क्या कंडीशन है, मीटर का क्या कंडीशन है, सारा कुछ आपको दिखा देना है। डैशबोर्ड में इंटीरियर गेट के पास देख सकते हैं तो सारा फिट एंड फिनिश में है, कहीं से भी कोई स्क्रैच नहीं है। सीट आप देख सकते हैं, सीट कंफर्टेबल सीट मिलता है। बाकी यहाँ पे आप देखिए को ड्राइवर साइड के पास भी जो सीट है ना वो भी काफ़ी ठीक ठाक है। यहाँ पर डैशबोर्ड देखिए कुछ इस टाइप का है, डैशबोर्ड भी काफ़ी सही है, मतलब कहीं से भी भाई कोई डैमेज नहीं है। ये गाड़ी मैं खुद यूज़ किया हूँ ना तो कहीं से कोई डैमेज नहीं है, लाइट वेट सारा कुछ अभी सब एकदम नया जैसा है। बाकी मीटर कंसोल दिखाते हैं, यहाँ पे एसी वैसी का कोई ऑप्शन नहीं है इसमें। बाकी सारा कुछ अभी मेरा कुछ यहाँ पे सामान रखा हुआ है तो वो सब चीज़ इग्नोर करिएगा। ये देखिए अभी आपको यहाँ पे दिखाते हैं इसका मीटर कंसोल, देखिए गाड़ी ज़्यादा नहीं चला है, आपको यहाँ से खुद ही दिख रहा होगा कितना गाड़ी चला है, 22,313 किलोमीटर। सिर्फ और सिर्फ ये जो गाड़ी है वो 22,313 किलोमीटर चला हुआ है, जैसा कि आप देख रहे हो कहीं से भी कोई चेंजेस नहीं है। फ्यूल का सारा चीज़ देख रहे हैं, स्पीडोमीटर ऑडोमीटर सब कुछ देख रहे हैं, कोई इस गाड़ी में अपडेट अभी तक नहीं हुआ है। वैसे होता क्या है ना कि एक्सीडेंटल गाड़ी है इसके चलते बेच रहे हैं, तो ऐसा यहाँ इस गाड़ी में कोई सीन नहीं है। अब जानते हैं इस गाड़ी को सेल करने के लिए कितना पैसा देना होगा। तो भाई अभी इस गाड़ी का जो रेट है ना वो एटलीस्ट 5 लाख के आसपास आप इस गाड़ी का ऑन रोड प्राइस है। लेकिन अगर आप फाइनेंस कराते हैं तो आपको पता है सिर्फ 5 लाख में ही नहीं होता है, फाइनेंस कराते हैं तो कम से कम आपको 7 लाख रुपये 7.5 लाख रुपये पड़ जाता है सारा चीज़ लोन किस्त लेकर। तो सेम एज इट इज़ वही चीज़ है इस गाड़ी में भी, लेकिन मैं इस गाड़ी को छोड़ दूंगा। सिर्फ और सिर्फ 1,75,000 रुपये आपको देना है इस गाड़ी के लिए, क्योंकि जब मैं डाउन पेमेंट किया था ना उस समय उसका पैसा। और यहाँ पर देख सकते हैं ये मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ, यहाँ पर ये जो कार्गो बॉडी में इतना जो मैं सारा चीज़ अपना खर्चा किया हूँ ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ 1,75,000 रुपये देना है और 2.5 से 3 साल का EMI बनता है, वो महीना का 9,000 के आसपास EMI जाता है, वो आपको भर देना है। यानी अगर आप 3 साल भी लेकर चलते हैं ना तो 9,000 रुपये आपको भरना है, तो कितना हो जाएगा 3 लाख रुपये के आसपास आपको इसका EMI भरना है और 1,70,000 रुपये हमको आपको कैश देना है, या फिर आप जिस तरीके से दें आप 1.5 लाख रुपया सिर्फ कैश दीजिए
और बाकी का फिनांस आपका हो जाएगा आपके नाम पे 9000 के आसपास किस्त जाता है, अगले 3 साल तक आपको भरना पड़ेगा, यानी मोटा मोटी ये गाड़ी आपको पड़ जाएगा 4.5 लाख से 5 लाख रुपए के आसपास। अब बताइए 4.5 से 5 लाख रुपए के आसपास इतना बड़ा फिट एंड फिनिश में कार्गो बॉडी एकदम पैक्ड में कौन देगा? कोई नहीं देगा। बाकी मीटर कंसोल यहाँ पे आप देख ही रहे हैं, कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर नया गाड़ी भी खरीदने जाते हैं ना तो इसका क्या होता है, नया गाड़ी में ये जो चीज़ है ना ये आपको पूरी कवर्ड नहीं मिलता है, ये बस नॉर्मल मिलता है। इसके बाद आप खरीदने के बाद चेचिस के साथ नॉर्मल गाड़ी मिल जाता है, इसके बाद सारा कुछ लगाने में 60 से 70 हज़ार रुपये आपको अपना एक्स्ट्रा लगेगा। तो ये चीज़ है, आप बाकी आप खुद समझदार हैं, समझ सकते हैं, स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है, आप फ़ोन करके इस गाड़ी से रिगार्डिंग सारा चीज़ जान सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया हूँ, आप वहाँ जाइए, कॉल कर लीजिए, इस गाड़ी के रिगार्डिंग सारा डॉक्यूमेंट देख लीजिए। अगर आप डाल्टनगंज से हैं तो आप डाल्टनगंज आके इस गाड़ी को देख भी सकते हैं, कहाँ से ये गाड़ी है आप एक बार चला के भी देख सकते हैं, क्योंकि बहुत भाई लोग डाल्टनगंज से हैं। बिहार झारखंड से, अगर बिहार से भी हैं तो आके देख सकते हैं गाड़ी, एकदम आप कैश लेकर आइए और गाड़ी को तुरंत घर लेकर जाइए। और कहीं भी कोई डीलरशिप का गाड़ी नहीं है, खुद मेरा गाड़ी है, तो आपको विश्वास होना चाहिए कि मैं झूठ नहीं बोलूँगा ये गाड़ी देने के लिए। आप डायरेक्टली आ सकते हैं, इस गाड़ी को लेकर जा सकते हैं। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट करके बताइएगा, ऐसी सेकेंड हैंड गाड़ी देखने के लिए कमेंट करके बताइएगा, मैं रिप्लाई करके बताऊँगा कि कौन कौन सी सेकेंड हैंड गाड़ी आप देखना चाहते हैं, किसकी वीडियो बनाना चाहिए। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।